भट्टू कला में मार्केट कमेटी द्वारा अनाज मंडी में प्याऊ हटाने से शुरू किया गया अतिक्रमण चाय के खोखे पर लगे शेड पर सिमटा। अनाज मंडी में अतिक्रमण की शिकायत पर मार्केट कमेटी द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान मार्केट कमेटी सचिव महावीर सिंह की देखरेख में चलाया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। अतिक्रमण को हटाने को लेकर तब हैरान कर देने वाली बात सामने आई कि अनाज मंडी के आदमपुर रोड पर गेट के साइड पर लगे वाटर कूलर रख बनाए प्याऊ को हटाने के लिए 1.5 घंटे तक पूरा अमला वहां डटा रहा, लेकिन दुकान के आगे अवैध रूप से फड़ बना अतिक्रमण विभागीय कर्मचारियों को दिखाई नहीं दिया। वहीं गेट पर लगी सब्जी की रेड़ियों को हटाया गया। इसके बाद 1 घंटे का समय टेलरों वाली गली व अनाज मंडी में लगाया गया, जहां टेलरों वाली गली में दुकानदारों द्वारा होल्डिंग व सामान रख जहां अतिक्रमण कर रखा था वहां से होल्डिंग उठवा दिया व आगे के से सामान रोड पर मिला तो जब्त करने की चेतावनी दे रोड को अतिक्रमण मुक्त किया गया। उसके बाद अनाज मंडी में फड़ पर किए जबरदस्त अतिक्रमण को नज़रअंदाज कर चाय के खोखे करने वाले व समोसे की रेड़ी पर लगे शेड हटवा अतिक्रमण हटाने के अभियान को विराम दिया गया। विभाग की इस तरह से हुई भेदभावपूर्ण कार्रवाई की हर व्यक्ति ने आलोचना की, जबकि मुख्य तौर से अतिक्रमण कर फड़ पर चलने तक की जगह न छोड़ने वाले लोगों के प्रति विभाग की द्रियादली हाथी के दांत के खाने के ओर व दिखाने के ओर की कहावत को चरितार्थ करती दिखाई दी। इस अतिक्रमण को हटाने को लेकर भट्टुकला निवासी वीरेंद्र सिंह ने सिम विंडो में शिकायत लगाई थी। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसने इस संबंध में रिमाइंडर कर उच्च अधिकारियों को शिकायत कर दी, जिस पर 1 सप्ताह का समय देते हुए संबंधित अधिकारी को कड़ी कार्रवाई के आदेश देने पर शनिवार को मार्केट कमेटी द्वारा यह अभियान चलाया गया। इस संबंध में मार्केट कमेटी सचिव महावीर सिंह ने कहा कि उन्होंने उक्त शिकायत पर अतिक्रमण हटाया है, आगे भी अभियान चलाया जाएगा। अतिक्रमण करने वालों को सख्त चेतावनी भी दी गई है। कुछ लोग अपने आप ही अतिक्रमण को हटा रहे हैं, जहां नहीं हटेगा उसे भी हटाया जाएगा। शिकायतकर्ता वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अतिक्रमण को लेकर हटाने को लेकर जो लिपापोती कर अपनी जिम्मेदारी से पल्लू झाड़ने की जो यह कोशिश हुई है, अतिक्रमण नहीं हटा है, यह कार्रवाई संतोषजनक नहीं हुई है।